तिवारी, सबसे पहले तो न्यूजीलैंड को ऐसा लगा होगा कि ये तो हम होम टेस्ट मैच खेल रहे हैं सर। एकदम। और देखिए, और वो लोग भी आश्चर्यचकित हुए होंगे, क्योंकि जब उन्होंने सोचा, देखा और सुना कि रोहित शर्मा बल्लेबाजी करना चाहते हैं टॉस जीत कर, तो उन लोगों के मन में तो खुशी हुई होगी, क्योंकि आज कंडीशन ओवरकास्ट था और अनुमान भी यही है कि आने वाले कुछ दिनों में भी बारिश होगी। विकेट्स बहुत दिनों से, बहुत समय से कवर्ड था, तो ऐसी कंडीशंस ऑब्वियस सी बात है कि याद दिला दी है उन लोगों को कि न्यूजीलैंड हमारी होम कंडीशंस की तरह, जिस तरह से बॉल स्विंग हो रही थी, सीम हो रही थी, जिसका फल हमें देखने को मिला। 6 विकेट भारत के चले गए हैं और अच्छी बॉलिंग का भी प्रदर्शन इन्होंने किया है, और टॉम लेथम का कप्तानी भी बहुत अच्छी तरीके से निभाए हैं उन्होंने, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने फील्ड प्लेसमेंट बिछाई थी विराट कोहली के लिए खासकर, और वहीं पे जाके उनका कैच गया, तो काबिले तारीफ परफॉर्मेंस रही है अभी तक। क्या कारण हो सकता है पहले बल्लेबाजी करने का? क्या इस बैटिंग ग्रुप को परखना चाहते थे? अगर वो मामला था तो एग्जीक्यूशन वो वाली दिखी नहीं, खासकर अगर आप सरफराज खान का शॉट देखे, रोहित शर्मा भी ग्लू शॉट खेल गए, बात समझ में आई नहीं थोड़ी सी। देखिए, कभी कभी मैं जब गेम देखता हूँ ना, तो मुझे कभी कभी समझ में नहीं आती है, मतलब कॉमन सेंस की थोड़ी सी कमी कभी कभी दिखती है। और क्या प्रमाण करना चाहते हैं कोच या कप्तान, समझ के परे रहता है। क्योंकि एक उदाहरण देना चाहूंगा कि हम जिसे गॉड ऑफ क्रिकेट कहते हैं, वो है सचिन तेंदुलकर। उनका एक इंटरव्यू में पूरे विश्व ने देखा है कि उन्होंने पहली चीज क्या कही थी, वो है कि आप जब तक सत्य को सम्मान नहीं देंगे, उनको इज्जत नहीं देंगे, तो फिर ये गेम आपको हमेशा हर पल आपको अलग तरीके से समझाता है। उन्होंने ये कहा था कि अगर कंडीशन बॉलिंग की है तो आप बॉलिंग करें, अगर बैटिंग की है तो बैटिंग करें। अब मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी जब नए कोच आते हैं या कोई भी नया कप्तान आता है ना, तो कुछ अलग सा कुछ प्रमाण करने का एक हमेशा कोशिश रहता है, और आज वही दिखने को भी मिला, क्योंकि कंडीशन पूरी गेंदबाजी की थी, लेकिन वहां पे टॉस जीतकर बल्लेबाजी करना चाहा आपने। आपने वो चैलेंज, पता नहीं ग्रुप डिस्कशन में हुई होगी कि कोई एक चैलेंज लेना है, अपन को देखना है कि क्या हम इस कंडीशन में खेल सकते हैं कि नहीं खेल सकते हैं, क्या हमारी तकनीक अच्छी है कि नहीं है, क्या हमें ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए प्रिपेयर करना है। चलो ये मैच को एज अ प्रिपरेशन मैच के हिसाब से लेते हैं, पर मेरे हिसाब से देखिए कॉम्प्लेसेंसी की कोई जगह नहीं है, क्योंकि आप जब भारत के लिए आप रिप्रेजेंट करते हो ना, तो आप हर मैच को, आप सत्य को सम्मान देते हुए अपने निर्णय लें, और टेस्ट मैच किसी भी हाल में जीते। क्योंकि हाँ, अभी एक वर्ल्ड टेस्ट रैंकिंग में आप एक नंबर स्थान पे हो, बहुत ज्यादा गैप है दूसरे और तीसरे टीम के बीच, लेकिन आप कुछ भी गारंटी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि मनोबल एक बार टूट जाएगी ना, कॉन्फिडेंस आपकी अगर चली जाएगी हारने के बाद, अगर खुदा ना खास्ता अगर ये टेस्ट मैच हार गया, तो फिर रिकवर करना बहुत मुश्किल होती है।